गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 3। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 3 रीड करेंगे। लेसन का नेम है नाउन। नाउन होता है संख्या। अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू नेम समथिंग एज अ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस। संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु या स्थान के रूप में नाम लेने के लिए किया जाता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। काजल इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। काजल एक समझदार लड़की है। इसमें काजल क्या है, काजल क्या है, नेम है, पर्सन का नेम है, तो ये क्या है, नाउन। सेकंड है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ क्या है, प्लेस है, तो ये क्या है, नाउन, संख्या। द लॉयन इज ए ब्रेव एनिमल। इसमें लॉयन क्या है, शेर एक बहादुर जानवर है। लॉयन एक जानवर का नाम है, एनिमल नेम है, तो क्या हुआ, संख्या, यानी कि नाउन है, लॉयन नाउन है। फोर्थ है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अंगूठी सोने से बनी है। रिंग यानी कि अंगूठी, ये क्या है, थिंग, वस्तु है कोई, तो ये क्या है, नाउन, रिंग नाउन है। इन द अबव सेंटेंसेस द कलर वर्ड्स आर द नाउन। उपरोक्त वाक्यों में जो कलर्ड वर्ड है वो क्या है, संज्ञा, यानी कि नाउन है। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 5 है मटेरियल नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संख्या। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संख्या किसी व्यक्ति, विशेष, प्राणी, वस्तु का नाम है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। शब्द की शुरुआत में ही उचित संज्ञा हमेशा एक बड़े अक्षर के साथ लिखी जाती है, यानी कि जब प्रॉपर नाउन स्टार्ट होता है उसमें फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में आता है, बड़े शब्दों में आता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। फर्स्ट है रमन लिव्स इन दिल्ली। रमन दिल्ली में रहता है। रमन क्या है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक है। सेकंड है तिरुपति टेंपल इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तिरुपति टेंपल क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट थर्ड है अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा थे, यानी कि ये पर्सन के बारे में हो रही है इसमें, अशोका, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स। ऊपर वाक्यों में जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो क्या हैं, प्रॉपर नाउन। ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें जो कलर्ड वर्ड्स थे वो क्या हैं, प्रॉपर नाउन। नाउ अगेन रीड काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 है मटेरियल नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संख्या। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संख्या किसी व्यक्ति, विशेष, के प्राणी, स्थान, वस्तु का नाम है। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। शब्द की शुरुआत में ही जो प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, उसे कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें। रमन लिव्स इन दिल्ली। रमन दिल्ली में रहता है। रमन क्या है, पर्सन का नेम, तो क्या हुआ, रमन, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है सेकंड, तिरुपति टेंपल इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति टेंपल, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्या है, प्लेस है, तो इसमें क्या हो, तिरुपति टेंपल क्या हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट थर्ड है अशोका वाज अ ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा थे।
अशोका एक पर्सन का नेम है, तो क्या अशोका क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन्स, उपरोक्त वाक्यों में जो कलर वाले वर्ड्स हैं उन वे क्या हैं प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जो ये कलर्ड वर्ड्स दे रखे थे, सेंटेंस दे रखा था, उसमें जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो क्या है हमारे प्रॉपर। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम गिवन टू पर्सन एनिमल प्लेसेस और थिंग्स सेम क्लास और काइंड। जातिवाचक संज्ञा एक सामान्य नाम है जो जानवरों के स्थान नाम एक ही वर्ग या चीजों को दिया जाता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित एग्जाम्पलों को पढ़ें, उदाहरणों को पढ़ें। फर्स्ट है दाओ काओ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक घरेलू जानवर है। काओ क्या है हमारा जान एनिमल, तो ये क्या है कॉमन नाउन। काउन काओ हमारा क्या है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है सेकंड, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स यानी कि हमारा क्या है कॉमन नाउन। नेक्स्ट थर्ड है माय मदर इज ए टीचर, मेरी माँ शिक्षिका है। टीचर पर्सन के बारे में हो रही है तो क्या है कॉमन नाउन। द अबव कलर्ड वर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स, ये जो वर्ड्स दे रखे हैं कलर्ड वर्ड्स हैं इसमें वो क्या है कॉमन नाउन। नाउ अगेन रीड, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज अ नेम, कॉमन नेम गिवन टू पर्सन्स एनिमल प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जातिवाचक संज्ञा एक सामान्य नाम जानवरों के स्थान एक ही वर्ग चीजों को दिया जाता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें। फर्स्ट है द काओ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक घरेलू जानवर है। काओ इसमें क्या है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बर्ड्स क्या हमारा कॉमन नाउन। थर्ड है माई मदर इज अ टीचर, मेरी माँ शिक्षिका है। टीचर क्या है इसमें कॉमन नाउन। द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन्स, उपरोक्त जो भी कलर्ड वर्ड हैं उनको क्या कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है सामूहिक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग एंड एनिमल टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। सामूहिक संज्ञा एक व्यक्ति की संख्या संग्रह का नाम है और जानवरों का एक साथ लिया जाता है। समग्र और समग्र रूप में बोला जाता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, उदाहरणों को पढ़ें। फर्स्ट है देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर लोगों की लंबी कतार है। क्यू ऑफ पीपल लोगों की लंबी कतार, तो क्या इसमें क्यू ऑफ पीपल क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन या सामूहिक होता है ना, जब बड़े सारे लोग इकट्ठे होते हैं सामूहिक हो गया तो ये क्या है कलेक्टिव नाउन। सेकंड है अमीर प्रेजेंटेड अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू हिज टीचर, आमिर ने अपने शिक्षक को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। बुके ऑफ फ्लावर्स क्या है हमारे पास कलेक्टिव नाउन, यानी कि बड़े सारे बुके मतलब फ्लावर्स थे उसके अंदर, तो ये बुके बन गया, तो ये क्या है सामूहिक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। थर्ड है गिव मी अ डजन लेमन्स, मुझे एक दर्जन नींबू दीजिए। डजन लेमन क्या है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, उपरोक्त कलर्ड वर्ड क्या है कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। ये जो सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स थे ये किसके हैं कलेक्टिव नाउन के। नाउ अगेन रीड, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है सामूहिक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग एंड एनिमल टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। सामूहिक संज्ञा एक व्यक्ति की संख्या या संग्रह के नाम है और जानवरों को एक साथ दिया जाता है और समग्र रूप में बोला जाता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। फर्स्ट है देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर लोगों की लंबी कतार है। क्यू ऑफ पीपल क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है सेकंड, अमीर प्रेजेंटेड अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू हिज टीचर, अमीर ने अपने शिक्षक को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। बुके ऑफ फ्लावर्स क्या है फूलों का गुलदस्ता, ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन। बड़े सारे फूलों का फूल को इकट्ठा करके गुलदस्ता बना ना, इसलिए क्या है कलेक्टिव नाउन। थर्ड है गिव मी अ डजन लेमन्स, मुझे एक दर्जन नींबू दीजिए। डजन लेमन्स क्या है कलेक्टिव नाउन, बड़े सारे हो गए नींबू तो क्या है डजन लेमन्स कलेक्टिव नाउन। द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ
कलेक्टिव नाउन्स। उपरोक्त कलर्ड वर्ड क्या हैं? कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं, यानी कि सामूहिक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नाउन्स विच आर द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, एक्शन, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज। भाववाचक संज्ञा वह होती है जो कुछ गुणों, क्रियाओं, अवस्था, भावना या विचारों को बताए। क्वालिटीज होता है गुण, एक्शन होता है क्रियाएं, और स्टेट होता है अवस्था, और फीलिंग होता है भावना, और आइडियाज होता है विचार। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वे संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा वह होती है जो गुणों, क्रियाओं, अवस्था, भावना या विचारों को बताए। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। फर्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी क्या है? हमारे अंदर क्वालिटी है, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड है किंगशिप एग्जिस्ट ओनली इन फ्यू कंट्रीज टूडे। किंगशिप, राजाओं का अस्तित्व आज कुछ ही देशों में है। किंगशिप क्या है हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। थर्ड है माई प्लांट्स शो मूवमेंट। द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उपरोक्त कलर्ड वर्ड क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। नाउ अगेन रीड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नाउन्स विच आर द नेम ऑफ सम क्वालिटीज, एक्शन, स्टेट, फीलिंग और आइडियाज। भाववाचक संज्ञा वह है जो कुछ गुणों, क्रियाओं, अवस्थाओं, भावनाओं या विचारों के बारे में बताए। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें। फर्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी क्या है? हमारे अंदर क्वालिटी है, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। सेकेंड है किंगशिप एग्जिस्ट ओनली अ फ्यू कंट्रीज टू डे। राजाओं का अस्तित्व आज कुछ ही देशों में है। किंगशिप क्या है हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। माई प्लांट शो मूवमेंट, मूवमेंट क्या है इसमें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उपरोक्त कलर्ड वर्ड किसके? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण है। द अबव कलर्ड वर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उपरोक्त कलर्ड वर्ड अब्स्ट्रैक्ट वर्ड नाउन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल होता है सामग्री, सामग्री संख्या। द नाउन्स विच डिनोट्स द नेम ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। सामग्री संख्या वह है, यह संख्या पदार्थ या पदार्थ के नाम को दर्शाती है, जिसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन्स। जैसे कि रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित उदाहरण पढ़े। फर्स्ट है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। दूध एक संपूर्ण भोजन है। मिल्क क्या है? मटेरियल। तो ये क्या है? पूरे उसके बारे में बता रही है कि दूध एक पूरा भोजन है, तो मिल्क क्या है हमारे पास? मटेरियल नाउन। गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। सोना बहुत महंगा है। गोल्ड, इसमें गोल्ड है, तो गोल्ड क्या है हमारे पास? मटेरियल नाउन। दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन। यह मेज लोहे का है। आयरन होता है लोहा, तो ये क्या है? आयरन मटेरियल है, तो ये क्या हुआ? आयरन मटेरियल नाउन। द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउन्स। उपरोक्त कलर्ड वर्ड मटेरियल्स नाउन के उदाहरण हैं। नाउ अगेन रीड मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। यह संज्ञा पदार्थ या पदार्थ के नामों को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल सामग्री संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन कहते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें। फर्स्ट है मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। दूध एक संपूर्ण भोजन है। मिल्क क्या है इसमें? मटेरियल नाउन। सेकंड है गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। सोना बहुत महंगा है। गोल्ड क्या है हमारे पास? मटेरियल नाउन। थर्ड है दिस टेबल इज मेड ऑफ आयरन। यह मेज लोहे का है। आयरन क्या है हमारा? मटेरियल नाउन। द अबव कलर्ड वर्ड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन। उपरोक्त कलर्ड वर्ड मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने इंग्लिश में लेसन नंबर 3 रीड किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको घर पर एक बार दोबारा से इसे रीड करना है, वह समझना है। बच्चों, जो भी आपको स्कूल से होमवर्क दिया जाता है, वह अच्छे ढंग से, वह साफ़ सुथरे ढंग से फेयर कॉपी में करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।